Siebenjährigkeit. Haben wir überhaupt eine Klimaang? Siebenjährigkeit. Haben wir überhaupt eine Klimaang? Siebenjährigkeit. अभी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत पटना साइंस कॉलेज के पास। जैसा कि जानते हैं कि 3 मार्च को यहां पर से दरोगा बहाली के अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम को लेकर यहीं से रैली निकालेंगे और कहां जाएंगे इसकी बाकियां नहीं बताए हैं। 2 बार पिछले बार भी किए हैं, नहीं बताए हैं। हम जानना चाहते हैं यहाँ पर कि आज कहाँ जाएंगे और क्या मांगे आज रखेंगे। वैसे मुख्य मांगे CBI है और देखते हैं आज क्या बताते हैं। क्या आप लोगों की मुख्य मांगे हैं? मेरी मुख्य मांगे या पूरे बिहार की तमाम छात्र एवं छात्राओं की मुख्य मांग ये है कि CBI जांच करवानी थी सरकार। और हम लोग कहाँ जाएंगे ये तो मैं नहीं बताऊंगी। और मैं नीतीश सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू कि जो नीतीश सरकार जो हमारे बिहार के तमाम छात्र एवं छात्राओं के साथ कर रहे हैं वो काफ़ी अन्याय कर रहे हैं। वो जो पुलिस के द्वारा जो हम लोग पे लाठियाँ चार्ज करवाई जा रही है वह उनकी गुंडागर्दी बिहार में नहीं चलने वाली है। नीतीश सरकार जिसको जेल भेजना है उसको तो जेल नीतीश सरकार भेजते नहीं है। जो हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर में रेप हुआ 29 लड़कियों के साथ उसको तो पहले जेल भेजें। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो नीतीश सरकार मेरे ऊपर केस कर रहे हैं, हमारे 10 विद्यार्थी को जेल भेज दे रहे हैं। नीतीश सरकार की अब ये गुंडागर्दी बिहार में नहीं चलने वाली है, नहीं चलने वाली है। और नीतीश सरकार की अगर दिलों में नाथूराम गोडसे बसते हैं तो मेरे दिलों में महात्मा गांधी बसते हैं। बिहार के जितनी लाठियां चलाना है चला ले, जितनी गोलियां चलाना है चला ले, उनकी गोलियां खत्म हो जाएगी पर बिहार के तमाम छात्र एवं छात्राओं की सीने खत्म नहीं होगी। क्या आप लोग आज कितने लोग आएंगे? अभी तो 10 बज चुके हैं। अभी हम लोग 50,000 की संख्या में आएंगे। इस बार नीतीश सरकार की जितनी कार्यकर्ता में रैली नहीं थी उससे ज्यादा हमारे स्टूडेंट की रैली होगी। नीतीश सरकार को कितनी तारीख को रैली हुई थी? एक तारीख को जो उनके बर्थडे के दिन जो रैली हुई थी उससे समझ में नीतीश सरकार को आ गया होगा कि हमारे बिहार में क्या मेरी इज्जत हो गई है। आपकी आपकी क्या राय है आज की रैली? देखिए, अपने स्वाभिमान के लिए सर भी कटा लेंगे हम, अपने स्वाभिमान के लिए सर भी कटा लेंगे हम। तू मुझे क्या रोकेगा कायर, तेरी हस्ती मिटा देंगे अब हम। नीतीश कुमार जो सोचती है कि हम अत्याचार करके गोले आंसू गैस से गोले दाग कर हम आंदोलन को शांत कर देंगे तो हम लोग सीबीआई जांच के बिना एक कदम भी पीछे हटने वाले में से नहीं है। और नीतीश कुमार चाहे जितना भी अत्याचार करे हम लोग के ऊपर, हम लोग छात्र संघ पूरा इसका घोर विरोध करते हैं। आपका क्या कहना है आज के? पर मीडिया की बंधु आप है, आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आप और आप लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है, इसलिए हम लोग न्याय की मांग कई महीनों से कर रहे हैं, इसलिए आप हम लोग न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करें। मैं आज नीतीश बाबू को यही कहना चाह रहा हूँ कि आज वो दिन समझ लीजिए, वो आज वो घड़ी आ गई है कि आज करो या मरो की नारा के लिए हम लोग उतर चुके हैं रोड पर। अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आप हम लोग को बदल दीजिए, नहीं तो आप लोग को बदल देंगे। इसीलिए हमारी मांग को आप मान लीजिए और CBI जांच कर दीजिए। कहां तक जाएंगे आप लोग, कुछ जानकारी दीजिएगा? जानकारी के लिए ये गुप्त सूचना रखी गई है, ये गुप्त सूचना है। हम लोग पटना साइंस कॉलेज में आ गए हैं, वो साइंस का स्टूडेंट है, वो इंजीनियर भी है, उनको जितना भी सोशल इंजीनियरिंग करना है वो करवा ले, जितना भी दिमाग लगाना है लगा ले, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि बिहार में अब पहले धर्म के आधार पर विभाजित किए थे, फिर उसके बाद जाति के आधार पर विभाजित किए, फिर जाति और जाति के आधार पर विभाजित कर दिए, फिर आज वो लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में विभेद करना चाह रहे हैं। क्या आज वो नहीं जान रहे कि ये छात्र जो है वो जग चुकी है और अपनी मांग के लिए अरिग है? अगर वो हमारी मांग को नहीं मानते हैं, CBI जांच नहीं करवाते हैं तो समझ जाए पलटू राम तो है, हम लोग उनको पूरा पलट देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ये देख रहे होंगे छात्र अपने प्रदर्शन के लिए अपनी बातें कह रहे हैं और अभी छात्र भले ही कम आए हैं पर इनका कहना है कि आज 50,000 छात्र पटना में अलग अलग जिलों से आ रहे हैं मगर ये जगह बताने के लिए तैयार नहीं है कि आज कहां से कहां तक जाएंगे। और भी खबरें देखते रहने के लिए झकास वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।